किश्तवाड़ पुलिस ने भी कुछ एक्शन इनिशिएट किया, तो क्या कुछ डिटेल्स शेयर करें? हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के 36 टेररिस्ट जो हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर 92-93 क्रॉस करके पाकिस्तान चले गए मिलिटेंसी रैंक ज्वाइन करके, और वहाँ कुछ तो सेटल हुए बट उसके बाद दे आर इन्वॉल्व्ड इनटू टेररिज्म एक्टिविटीज़ एंड एज ऑन डेट इन स्टिल वी आर फाइंडिंग कि उनकी इंसाइटमेंट हो रही है यहाँ मिलिटेंट्स को यंगस्टर्स को ज्वाइन करने के लिए और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके दूसरे मीन्स को इस्तेमाल करके. सो कीपिंग दैट थिंग इन माइंड वी हैव रिसेंटली रजिस्टर्ड 2 केसेस और उसमें 36 लोगों के अगेंस्ट जो 2 केसेस रजिस्टर. पहला केस जो है हमारा 272 FIR पुलिस स्टेशन किश्तवाड़, इसके अंदर 13 मिलिटेंट्स नॉमिनेटेड हैं और उनके खिलाफ हमने नॉन अवेलेबल वारंट ऑन NIA कोर्ट से अभी थ्रू CIO चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के थ्रू लिया है. और इन केसेस में इन्वेस्टिगेशन तो मोर लेस कंप्लीट हो रही है, ये प्रूवन है कि वाकई पाकिस्तान में और वहाँ से एक्टिव हैं, बट उनको अरेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं और नॉन अवेलेबल वारंट जो अब हम रेड कार्नर नोटिस थ्रू इंटरपोल भेज के हम इंश्योर करेंगे कि उनको अरेस्ट करके यहाँ पेश किया जाए कोर्ट में और उनने उनकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए उसे प्रोसिक्यूशन किया जाए. सर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में हमने देखा कि प्रॉपर्टीज भी सीज की जा रही हैं, तो क्या कुछ हम माने कि एक पहला स्टेप है टूवर्ड्स दैट एक्शन? यस यस यस, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है. प्रॉपर्टीज कुछ आइडेंटिफाई हो गई हैं और कुछ हो रही हैं, इवन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी इसमें एक्टिव हैं एंड उनके जो भी एसेट्स हैं यहाँ, और अगर कोई एसेट उन्होंने डिस्पोज ऑफ भी किया हो किसी के कहने पर और वो किसके पास गया है और वो पेमेंट कहाँ हुई है, वो सारे एंगल जो हम कंसीडर करके वी विल इंश्योर कि इन्वेस्टिगेशन में पैसा उनका उनकी प्रॉपर्टी का सेल का कहीं भी टेररिज्म को प्रोलिफरेट करने में ना यूज़ किया जाए. सो स्ट्रिक्ट एक्शन होगा और डिजिटल एविडेंस जो है हमारे पास वो केसेस में सीज्ड हैं और इस तरह हम एक बड़े कोऑर्डिनेटेड मैनर से इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं. सर ये तो बात होगी POK में जो हैं या पाकिस्तान में जो हैं, जो यहाँ पे लोकल मिलिटेंट्स हैं जो एब्सकॉन्डर हैं के, तो उनके खिलाफ भी इस तरह का एक्शन इनिशिएट हो रहे हैं इन फ्यूचर? यस, यहाँ हमारे जो एक्टिव टेररिस्ट हैं वो तो कैटेगराइज हैं, डिक्लेयर्ड हैं, उनके पीछे तो इतनी फोर्सेज 3-4 बटालियन हैं, बाकी हमारी पुलिस है SOG है रेगुलरली एंड हम सारी कोशिश कर रहे हैं कि उनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा. साइड्स जो भी आज की डेट में एलिमेंट, मैं एक वार्न करना चाहूँगा कि ये पाकिस्तान में बात कर रहा हो या मिलिटेंसी ज्वाइन करने के लिए किसी को मोटिवेट कर रहा हो, यहाँ का बच्चा जो इन्वॉल्व हो रहा है सोशल मीडिया का मिसयूज करके, उसको भी हमने सर्विलेंस पे रखा है और हम उनके खिलाफ भी एक्शन करेंगे.